आज इस तरह से विश्लेषण संबंधित एक और विषय आपके सामने लाते हुए मुझे बहुत खुशी है। विश्लेषण सीरीज में हम लोग हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं और जिनके बारे में हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, उन घटनाओं को लेकर उनका विश्लेषण करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये विश्लेषण आप में से हर व्यक्ति को बहुत अधिक मदद करेगा। हाँ, यदि आप इस ये जो सीरीज़ है इसको पहली बार सुन रहे हों तो मेरे एक अनुरोध है, ये जो वीडियो है इसके नीचे सब्सक्राइब नाम का एक बटन है, उसको प्रेस कर दें। उसके बगल में घंटी बनी हुई है, उसको भी प्रेस कर दें, तो विश्लेषण में हम जो भी पोस्ट करेंगे वो आप कभी मिस नहीं करेंगे, बल्कि आपको नियमित रूप से मिल जाया करेगा। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी ये बताना ना भूलें कि विश्लेषण में व्यावहारिक जीवन संबंधित बहुत सारी बातों का अध्ययन होता है, विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करना सिखाया जाता है। आज मैं आपके ध्यान में एक घटना लाना चाहता हूँ जो आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, जिसको पढ़ के लगभग सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। एक 12-15 साल की एक बच्ची घर से गुमशुदा हो गई और पुलिस में गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस ने ढूंढ ढांड के फाइनली उस लड़की के शव को प्राप्त किया। ये बात स्पष्ट हो गई पोस्टमार्टम में कि बच्ची की जो मृत्यु है वो जहर से हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इस बच्ची के पास इतना शक्तिशाली जहर कैसे पहुंचा? घर वालों से ढूंढ ढांड करने पे पता चला कि घर वालों में किसी को इसका कोई पता नहीं है। इसके बाद पुलिस के शक का दायरा उन लोगों के ऊपर आया जो इस परिवार के साथ बहुत घनिष्ठ हैं। पता चला कि इस बच्ची की एक सहेली है, उस सहेली से और उस सहेली की माँ से उसके बहुत अच्छे संबंध थे। पुलिस ने सब ढूंढने ढांढने के बाद सहेली की माँ पर शक किया। एग्जैक्टली उस स्त्री ने क्या किया होगा इसका उन्हें अनुमान नहीं था, लेकिन वो शक के दायरे में आ गई और पुलिस ने उसको ले जाकर पूछताछ की तो उसने कहा कि कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जब वो बोल रही थी तो पुलिस को उसके अंदाजे से लगा कि इसको जरूर कुछ मालूम है और इस कारण पुलिस ने बहुत ही सख्ती से पूछताछ की। और जब सख्ती से पूछताछ की तब ये बात स्पष्ट हो गई कि ये स्त्री अपनी बच्ची और उसकी सहेली दोनों से लाड़ प्यार वगैरह करती थी, लेकिन अपने स्वयं की बच्ची से उसकी सहेली के नंबर हमेशा अधिक आते थे और इस कारण ये स्त्री इतनी नाराज हो गई और उसको इतनी ईर्ष्या हुई, अपनी बेटी की सहेली से इतनी ईर्ष्या हुई कि उसने एक दिन अपनी बेटी की सहेली को बुलाकर उसको खाने के साथ जहर दे दिया और उसके बाद उस लड़की को कहीं ले जाकर छोड़ दिया जिससे कि वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए। और इस तरह से वो बच्ची घर आए बिना वहीं पर मर गई, घर वालों को पता भी नहीं चला और तब तक पता नहीं चला जब पुलिस ने उसकी लाश बरामद नहीं की। सवाल ये है कि उस स्त्री को क्या मिला? शक के दायरे में जैसे ही वो आ गई पुलिस ने उससे सब कुछ उगलवा लिया। इसके कारण आज जब मैं आपको ये घटना बता रहा हूँ उस समय वो जेल में है। जरा विश्लेषण करके देखिए, उस स्त्री को क्या मिला? जेल मिला। कब तक के लिए? चूंकि एक निर्दोष बच्ची की हत्या की है उसने, इस कारण या तो आजीवन जेल मिलेगा या उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। उसको क्या मिला, आजीवन जेल या फांसी की सजा?
पड़ोसी की बच्ची को क्या मिला? मौत। उसकी अपनी बच्ची को क्या मिला? उसकी अपनी बच्ची तो पागल हो जाएगी, क्योंकि वो स्कूल में जाएगी तो सारे बच्चे उसके ऊपर उंगली उठाएंगे कि ये तो हत्यारिन की बेटी है, और हत्यारिन की बेटी का धब्बा उसके ऊपर लग जाएगा जो जीवन में कभी उससे हट नहीं सकेगा। इस कारण भले ही वो अच्छे नंबर वगैरह ले आए, भले ही वो बहुत योग्य सिद्ध हो, उसकी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो हत्यारिन की बच्ची है। धब्बा लग गया, ठप्पा लग गया। पति हत्यारिन का पति है, घर वाले हत्यारिन के घर वाले हैं, तो उसने अपनी बच्ची से दूसरी बच्ची के नंबर कुछ ज़्यादा थे, उसके लिए जो हल निकाला, उस हल ने उस बच्ची की जान ले ली, लेकिन उस स्त्री की हालत जान लेने से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। जिंदगी भर वो जेल में सड़ती रहेगी, हर दिन हर क्षण उसे याद आएगा, शायद सपने में वो बच्ची रोती हुई भी नज़र आएगी, अपने स्वयं की बच्ची रोती हुई नज़र आएगी, अपने परिवार को उसने बर्बाद कर दिया। तो इस घटना का जब हम विश्लेषण करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि उस स्त्री ने सोचा कि आसानी से वो एक समस्या हल कर लेगी, लेकिन समस्या हल करने के बदले समस्या से लाख गुनी अधिक समस्या उसने पैदा कर दी। क्यों मनुष्य इतना अंधा क्यों हो जाता है कि हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के पहले भी उसकी आंख क्यों नहीं खुलती? प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का मन भटक गया है, सब भटक गए हैं, ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर को खोजते हैं, उसका दिल पाप से भरा हुआ है, यह है कारण। मैंने इस घटना का विश्लेषण आपको क्यों दिया? मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग इस सीरीज को सुन रहे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध नहीं करेगा, लेकिन जघन्य ना होते हुए भी हमें से हर व्यक्ति आपसी प्रतियोगिता, द्वेष या इस तरह के कारणों से इस तरह के कई कार्य करते हैं जिसको मनुष्य नहीं जान पाता है, लेकिन परमेश्वर देखते हैं। उसका फल क्या होता है? उसका फल यह है, प्रभु का वचन साफ बताता है कि जब हम पाप में जीवन बिताते हैं तो उसकी सजा मिलती है, अनुशासन, कड़ा अनुशासन है प्रभु का। कुछ लोगों के बारे में पहला कुरिन्थियों 11 में लिखा हुआ है कि वे इवन मृत्यु को पा गए, मतलब इस जीवन को छोड़ गए, प्रभु ने उनका जीवन उनसे ले लिया। तो यदि हम अपने कर्मों का विश्लेषण ना करें, अपने नज़रिए का विश्लेषण ना करें, और यदि हम अपनी भावनाओं में बह जाएं, तो वो भावनाएं हमें अंधी कर देती हैं। इस स्त्री के बारे में सवाल ये उठता है कि उसको समझ में क्यों नहीं आया, इसलिए कि भावनाओं में बहकर वो अंधी हो गई। आप पूछेंगे कि भावना में बहकर कोई अंधा होता है क्या? जी हाँ, हर दिन लाखों लोग अपनी भावना में बहकर अंधे हो जाते हैं। प्रभु के वचन में भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज इस विश्लेषण के अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शायद हत्या नहीं कर रहे हैं और शायद नहीं करेंगे, लेकिन प्रतियोगिता के कारण कहीं आपकी आंखें अंधी तो नहीं हो रही? और आंखें अंधी हो रही हैं इस कारण आप कहीं ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहे जैसे शायद मनुष्य ना पकड़ सके लेकिन प्रभु की नज़र में है, और जिसके कारण आप प्रभु की नज़र में आ जाएंगे और प्रभु का अनुशासन आपके जीवन में होगा? सोचें, जरा अच्छी तरह से सोचें। मुझे खुशी है कि मैं ये विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर सका, इसलिए नहीं कि आप में से कोई हत्यारा है, लेकिन इसलिए कि भावनाओं में बहकर हम में से हर व्यक्ति अंधा हो जाता है और इस तरह की मूर्खताएं करता है, इस तरह के अपराध करता है। आज जरा अपने जीवन को देखें, जांचें। यदि आप दूसरों के विरुद्ध यदि जलन से पीड़ित हैं, द्वेष से पीड़ित हैं, यदि प्रतियोगिता से पीड़ित हैं, तो प्रभु से मान लीजिए कि प्रभु मैं पीड़ित हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए,
और इन भावना पर नियंत्रण करने के लिए मेरी मदद कीजिए। पहला यूहन्ना 1:9 याद दिलाता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमको क्षमा करते हैं। प्रभु निश्चित आपको न केवल क्षमा करेंगे बल्कि इन भावनाओं के ऊपर नियंत्रण भी देंगे। तो आज हमने जो विश्लेषण किया इसका आपके ऊपर क्या जीवन पे असर है, इसको फिर से ध्यान से सोचना ना भूलें। और जैसा मैंने पहले आपको याद दिलाया था, यदि आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें, जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, और हम जो भी विश्लेषण पोस्ट करेंगे वे सब आपको मिल जाएंगे। एक और अनुरोध है, और वो अनुरोध ये है कि यदि ये वीडियो आपने WhatsApp पर देखा हो तो कम से कम 5-10 मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। हम कितनी ही उल्टी सीधी बातें शेयर करते हैं जिससे उनके जीवन में रत्ती भर का फायदा नहीं होता, लेकिन ये विश्लेषण यदि आप शेयर करें, क्या मालूम एक व्यक्ति जो भयानक मुसीबत में फंसने वाला है आप उसको बचा लें। ठीक है, प्रभु आपकी मदद करें।